पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा आतंकी और उनके सरपरस्त बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और उन्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। इंडिया जब जंग करते तो हम ताबेदार हैं, इंशाल्लाह पहला पहला हम आएगा। पठान तो हर टाइम में तैयार है। इंडिया को कह देना चाहते हैं और मोदी को उसको के आजा सनी लियोन को भी ले। मोदी को हम ये जवाब देना चाहते हैं कि वो अपनी बकवास बंद कर ले। हसा तैयार है बस छुरे मुरे चाके। नहीं नहीं हमला कर सकते ऐसा को छुड़े नहीं बताओ ऐसा हमको बताओ ई में बैठे रहा हूं। हम तो ये कहते हैं कि यही से तो अच्छा है कि हम भी एटम पावर फुल मुल्क है, हमारे पास भी एटम है और इंडिया के पास भी एटम है। अगर इंडिया हमको धमकियाँ देते हैं तो पाकिस्तान क्यों खामोश है इस पे, उसको जवाब देना चाहिए। हम तो इंडिया के लिए जंग के लिए तैयार है और मैं मोदी को शिकस्त दे दूँ इंशाल्लाह। यार मोदी जी हम क्या बोलेगा वो, लेकिन वो इलेक्शन के लिए एक काम करते हैं जो हम फिर दोबारा जीते हैं। ठीक है क्या ना कहनी है, इंडिया इतना जरूरत नहीं है जो हमारा पाकिस्तान के साथ मुकाबला करे। हमारा जज्बा शुक्र है इंशाल्लाह ज़्यादा है, जवाब ज़बरदस्त जवाब देगा। हम भी इतने कम नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तानी हम इतना जो जज्बा हमारे में हमारी क्योंकि हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल कलमे की बुनियाद और हमें इतनी हिम्मत है कलमे की वजह से। वो इमरान खान ही बेहतर दे सकते हैं, मुझे के लिए इमरान खान ही काफ़ी है। अच्छा नहीं कर रहा है और जब किया तो जवाब है हमारे पास। मैं पहुंच से पहले जाऊंगा। नहीं ऐसा इंडिया का काम नहीं इंशाल्लाह, पाकिस्तान इंशाल्लाह। पहले मजाक रात नहीं थे तो बस जाहिर है मतलब जेरी शे वाग दें बस उमें निकलना पोसी मैदान के बीच इंशाल्लाह रज के करे सी और इमें करे सी जो याद रखे सी इंडिया पाकिस्तानी कौम को मुकाबला करना चाहे ज़बरदस्त मुकाबला कर इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात भी नहीं इंडिया हमारे सामने, अल्लाह के फजल करम ये कौन सी बात है इंशाल्लाह। बस अल्लाह उन्हें हिदायत करे हमला कर सकते हैं सर उतर इंडिया से पाकिस्तान हमला कर सकते हैं थी नहीं सकता। टमाटर जो चीज़ बंद करे पाकिस्तान के पास सब कुछ है, टमाटर है आलू है प्याज है सब कुछ, ये तो छोटी सी चीज़ है। ठीक है और हम तैयार है जंग लड़े तो हम तैयार हैं, हमारा हर पाकिस्तानी नौजवान तैयार है, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह हिम्मत पे। आज भी मरना कल भी मरना 100 साल भी मरना 10 साल पंजा साल जैसे उत्थे शहीद हो जाएंगे फौज के कोई मसला इंशाल्लाह जी तैयार हैं। सारा कुछ दुनिया देते रह जाना कारोबार नाल नहीं जाना। पाकिस्तान इतनी दिलेर फौज है, अमेरिका कहते हैं पाकिस्तान की फौज हो और हमारा असला हो। नहीं नहीं लड़ाई चाहते नहीं ऐसा, अमन चाहूँ अमन पसंद लोग हैं पाकिस्तान। नहीं जंग तो वो कर भी नहीं सकते, क्या करेगा, हम कोई कमज़ोर तो नहीं, हमारी इतनी मजबूत अफवाज है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। इंडिया बिल्कुल ऐसे बढ़ के मारता है बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम तो ऐसे है ना, हर एक बंदा ठीक है ना, इसमें इतनी पावर है कि हर चीज़ मुसलमान एज ए मुस्लिम मौत से नहीं डरता। वैसे तो पाकिस्तानी हम इंडिया को भरपूर जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम आर्मी के साथ शाना बशाना। जो धमकियाँ दे रहा है हम तो इंडिया के खिलाफ भरपूर मजामत करेंगे। मैं हम लड़ाई करते हैं ताबीज़ सारा आवाम तैयार है लड़ाई का, फौज छोड़ दूँ मैं आवाम लड़ाई करता है इंडिया के साथ, चमतू है सारा फौजी है सारा आवाम फौजी है इंशाल्लाह ताला। हम 24 घंटे मोदी के साथ लड़ने को तैयार है इंशाल्लाह। हम लड़ेंगे जरूर, हाँ फिर मुकाबला तो फिर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है जो मोदी की धमकियों से डर जाए। फौज पाकिस्तान जो है इसलिए सब्र से काम ले रहे हैं क्योंकि इससे सिर्फ एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया मुतासर होगी। मोदी जो धमकियाँ दे रहा है उसके लिए हम तैयार हैं, सिर्फ हम नहीं अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बूढ़ा जवान मर्द औरत है सर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे और इंशाल्लाह उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी आवाम के हम खुद तैयार है, पाउच से बगैर हम खुद तैयार है इंडिया के लिए। हाँ भाई पाकिस्तान नहीं इतना घाट, पाकिस्तान इंशाल्लाह इतना जवाब दे सकते। मोदी को कहें हिंदू होते हैं बनिया और बनिए में कभी इतनी ताकत नहीं होती। इंडिया को कह देना चाहते हैं और मोदी को उसको के आ जा सनी लियोन को भी लेना जितने को भी लेना, हम तो चाहते हैं हम उधर आए, हम इनकी अदाकारों के ऊपर हम कब्जा करेंगे उधर आके और ये लोग हमें धमकियां देता है। पहले हम मोदी को ये कहना चाहेंगे कि वो उसका काम नहीं है, पाकिस्तान के बारे में वो सोचे भी नहीं क्योंकि वो कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता। अगर हमला कर सकते हैं अगर उसमें इतनी गैरत है, उस बेगैरत शख्स में अगर गैरत है ज़रा से भी, तो उनको हम ओपन चैलेंज देते हैं कि आए हमारी पाक फौज भी तैयार है और हमारा
قوم کا، پاکستان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی تیار ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔